दिल्ली दुनिया के कदीम शहरों में से एक शहर, आलम में इंतखाब। इस शहर का कदीम नाम हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ भी था। एक जमाने में यह शहर एक बड़ी सल्तनत का पायतख्त था, जिसकी बाबत कौरवों और पांडवों में बड़ी लड़ाई महाभारत हुई थी। कुरुक्षेत्र के मकाम पर 18 दिन तक यह हंगामा गरम रहा और बिलाखिर इसमें पांडवों ने फतह पाई। इस शहर पर कई खानदान हुक्मरान रहे। हुक्मरानों के कई अहम नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कयासुद्दीन तुगलक, अल्तमश, रजिया सुल्तान। ईस्वी में दिल्ली को मुगल बादशाह बाबर ने फतेह किया पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को शिकस्त फाश देकर, और फिर मुगलिया खानदान की बुनियाद पड़ी, जिनकी सल्तनत 1857 ईस्वी तक कायम रही। इस तरह से ये शहर बेमिसाल कदीम हिंदुस्तान के कई शहंशाहों का दारुसल्तनत रहा है, और इसकी इसी खासियत ने आज इसे दर्जा दिया है एक बड़े तिजारती शहर का। अपने शानदार माजी का हवाला देती हुई निगाहों को खैरा कर देने वाली यहाँ की कदीम इमारतों, फसीलों, अजीमोशान किलों, मसाजिद, दरगाहों, शहंशाहों के मकबरों और उनकी तारीख से मुजयन बेशकीमती यादगारों का हुस्न इस शहर की दिलकशी का बुनियादी जूज है। दिल्ली तो एक मरकज रहा है सियासी, कल्चरल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल। आई मीन दिल्ली इज वेरी वेरी रेलेवेंट एंड हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट यू नो सिटी थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जिसने दिल्ली को फतेह कर लिया उसने हिंदुस्तान को फतेह कर लिया। मुगल ताजदारों की शहंशाही अजमतों का अमीम दिल्ली का ये वो कदीम हिस्सा भी है जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अपने आप में आज भी एक अलहदा रुतबा का हामिल ये वो इलाका है जो एक अरसे तक मुगलिया हुक्मरानों का दारुल हुकूमत रहा है। वक्त बदला, हालात बदले, और जब हुक्मरां बदले तो हुकूमती इंतजामों इंसराम का तरीके कार ही नहीं बदला बल्कि जगह और मकाम भी बदल गए। लिहाजा जब फिरंगी बरसरे इख्तदार आए तो कारोबारे हुकूमत को चलाने के लिए उन्होंने पुरानी दिल्ली के बजाय नई दिल्ली का इंतखाब किया। 1912 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया का पायतख्त कलकत्ते से दिल्ली मुंतकिल हुआ। दिल्ली फसीलों से घिरा हुआ शहर है जिसके 7 दरवाजे हैं। जब मुल्क को अंग्रेजों की जबरिया सल्तनत व हुक्मरानी से नजात मिली और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ तो आजाद हिंद के दारुसल्तनत के तौर पर नई दिल्ली को एक नई पहचान मिली। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नई दिल्ली को सर एडविन लूटियंस ने तामीर किया जिसका इफ्तिताह 1931 ईस्वी में हुआ। आज मुल्की सियादतों क़यादत का मरकज ये शहर तमाम अहम हुकूमती दफातर और पार्लियामेंट समेत हर उस खुसूसियत से मुजयन है जो इस शहर को एक दारुल हुकूमत के तौर पर रोशनास कराती है।
हिंदुस्तान का दारुस्सल्तनत होने की वजह से ये शहर हमारंग तहजीबो सकाफत और तिजारत का भी मरकज बन गया है। मुगलिया ताजदारों ने दिल्ली का इंतखाब किया और अपने दौरे इख्तदार में इन अमीर तरीन शहनशाहों ने इस शहर की सरजमीन पर तारीखी इमारतों के वो पुरशिकों निशान खड़े कर दिए जो आज भी मुस्लिम दौरे हुक्मरानी की मुंह बोलती तस्वीर है और जिनकी बनावट, तर्ज तामीर और दिलकशी शहनशाही जौको शौक का जीता जागता सबूत है। सल्तनत मुगलिया का यही वो सुनहरा दौर था जब उर्दू जबान को उरूज हासिल हुआ। उर्दू जबान जो हिंदुस्तान के मुकामी बाशिंदों और वस्त एशिया से यहां आकर बसने वाले लोगों की आपसी बातचीत के नतीजे में मुरीज़े वजूद में आई और ये जमाना था 12वीं और 13वीं सदी का। हिंदुस्तान की तमाम बोलियां, संस्कृत के तमाम डायलैक्ट्स, प्राकृतों के तमाम डायलैक्ट्स और अवधी और ब्रज भाषा और हरियाणवी को फारसी, अरबी और तुर्की के मुख्तलिफ अल्फाज उसमें दाखिल करके, महावरे दाखिल करके, लिबास के नाम, गिजाओं के खाने के नाम, खेल कूद के नाम, तिजारत के नाम, वो ऐसे उसमें मिलाए गए, कॉन्फ्लुएंस, इम्तिजाज, समन्वय ऐसा हुआ कि वो इम्पेक्ट एक मुरक्कब ऐसा खरल बट्टे के बाद बन गया कि रफ्ता रफ्ता पहले वो हिंदी और हिंदवी कहलाई, फिर हिंदुस्तानी कहलाई, फिर लश्करी कहलाई, फिर रेख्ता कहलाई, बाद में उर्दू कहलाई। हालांकि उर्दू अपने इब्तदाई दौर में रेख्ता कहलाई, लेकिन दकन के बाद जब दिल्ली के सुनहरे दौर का आगाज हुआ तो ये जबान भी सौदा, दर्द, मीर तकी मीर, गालिब और दाग की शायरी में ढलकर एक ऐसी दिलकशी और मिठास हासिल कर गई जिसका आज भी कोई सानी नहीं। आज भी ये उर्दू दिल्ली की तहजीब के साथ गुनगुनाती सुनाई देती है और इसे दारुस्सल्तनत में दूसरी जबान का दर्जा हासिल है। कहा जाता है कि उर्दू को 18वीं और 19वीं सदी में फरोग हासिल हुआ और मीर तकी मीर, आतिश और मुशफी के अलावा मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने इस जबान को निखारने में एक बेहद अहम किरदार अदा किया। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। उर्दू को एक नई तर्ज देने वाले गालिब ने इसे उस वक्त मकबूले आम बना दिया जब उन्होंने खतो किताबत में कदीम रिवायात को बदल कर जदीद और आसान तर्ज जबान को रिवाज दिया। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और हिंदुस्तान के इस मकबूले आम शायर ने पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान मोहल्ले में बुदोबाश इख्तियार की और हकीमों की हवेली के नाम से मौसूम इसी हवेली में बैठकर दुनियाए शायरी के इस बेताज बादशाह ने उर्दू के नोक पलक सवारे। गालिब आज तक सब पे गालिब है क्योंकि तसव्वुरात की फिक्रिया शायरी, थॉट कंटेंट और कंटेम्प्रेरी हालात, माहौल, एनवायरनमेंट जो गुजर रहा है जमाने में, उसकी अक्कासी, उसकी तस्वीर कशी, वक्त अपने वक्त की तारीख की फोटोग्राफी उसने अल्फाज में की है और इश्किया शायरी भी की है, सूफियाना शायरी भी की है। बल्कि वो तो ये कहता है कि तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता, जब सूफियाना शायरी करता है तो वली और पीर मालूम होता है, जब इश्किया शायरी करता है तो बड़ा भारी आशिक ज़ार आफाकी मालूम होता है, जब फिक्रिया तसव्वुर की शायरी करता है तो मालूम होता है एक बड़ा लर्निड इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज का एक आदमी है जो कुतुब मीनार की चोटियों पर खड़ा होकर बिगुल बजा रहा है, उर्दू जबान की शायरी कर रहा है। गालिब से बहुत पहले मीर तकी मीर ने और फिर गालिब और उनके हम असरों जौख, मोमिन और बहादुर शाह जफर ने भी अपने कलम की जौलानियों से उर्दू को हुस्न दो आतिशा अता किया। जहां जौख ने उर्दू अदब से कसीदा गोई को रोशनास कराया, वहीं मोमिन और सल्तनत मुगलिया के आखिरी ताजदार
बहादुर शाह जफर ने उर्दू गजलों को एक निराली शान बख्श दी। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मोमिन की ये शाहकार गजल आज भी उर्दू अदब के गलियारों में अपनी नगमगी बिखेर रही है। कुछ मौज हवा पे चा मीर नजर आए। मीर हो जौक हो, मोमिन हो गालिब हो, या फिर बहादुर शाह जफर हो, ये सभी दुनियाए शायरी की वो अजीम हस्तियां हैं जिनकी मुशफिक गोदों में उर्दू पली बढ़ी है, जिनके आईने कलाम में उर्दू सजी सवरी है, और जिनके दम से इस जबान को हर दिल अजीजी की सौगात मिली है। दिल के नाते कूचे, हाँ दिल के नाते कूचे, और आके मसवर थे। यूं तो इन सभी शौरा ने दिल्ली को पसंद किया, इससे मोहब्बत की, और इसी शहरे पनाह की चाह में अपनी जिंदगियों की बहारें गुजार दी। मगर जौख ने खास तौर से इस शहर को अपनी बयास का उनवान ही बना लिया। उनकी शायरी में दिल्ली के खदोखाल साफ झलकते नजर आते हैं। दकन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए जौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। पुरानी दिल्ली को मुगल हुक्मरान शाहजहां ने बसाया था, जो उस वक्त सल्तनती मुगलिया का दारुल हुकूमत हुआ करता था। पुरानी दिल्ली की अहमियत तो जाहिर है कि जब ही बढ़ी, जब जामा मस्जिद बना और जब लाल किला बना, तिजारत करने वाले, बिजनेस करने वाले, दुकानें रखने वाले आने लगे, वहाँ जमा होने लगे, उसके साथ साथ शायर आने लगे, राइटर्स आने लगे, तो एक बस्ती बस गई लोगों की, जिसका एक प्रकार से बहुत गहरा ताल्लुक मुग़ल नोबिलिटी से था। और चूंकि मुग़ल नोबिलिटी से था, इसलिए और एक उसकी उसी के इर्द गिर्द जो है वो एक सभ्यता, जिसे कहते हैं कल्चर, जो है वो डेवलप हुआ। जितने बड़े बड़े उर्दू के शायर हैं, उर्दू के जितने बड़े बड़े राइटर्स हैं, चाहे वो मीर तकी मीर हों, चाहे गालिब हों, चाहे 19th सेंचुरी में बड़े बड़े राइटर्स मौलवी नज़ीर अहमद, ज़काउल्लाह और ये तमाम लोग, ख़ुद सर सैयद अहमद ख़ान जिन्होंने अलीगढ़ कॉलेज बनाया और बाद में यूनिवर्सिटी बनाई, ये सब लोग उसी इलाके में रहते थे। अल्लाहु अकबर, मुगल फन तामीर की एक शानदार मिसाल माना जाता है जामा मस्जिद की इस इमारत को। अपनी तारीखी हैसियत ही नहीं, बल्कि तामीरी हैसियत के एतबार से भी ये मस्जिद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। सन 1656 में शाहजहां के दौरे हुकूमत में जामा मस्जिद की तामीर अमल में आई। जामा मस्जिद के करीब ही दावत नजारा देता नजर आता है लाल किला। अपने निशाने अजमत से निगाहों को जकड़ने वाली ये किला बंद इमारत मुगल ताजदार शहंशाह के जौके तामीर की मजहर है। लाल किले की तामीर उस वक्त अमल में आई जब सल्तनत मुगलिया का तख्त शहंशाही आगरा से दिल्ली मुंतकिल हुआ। आज इस अजीम किले पर आजाद हिंदुस्तान का परचम लहराता है। हर साल यौमे आजादी के मौके पर यहां एक बड़ी तकरीर मुनक्किद होती है। इसके हिसारों से वजीर आजम हिंद मुल्क को मुखातिब करते हैं।
قدیم اشیاء کی خریداری کے لیے پرانی دلی میں واقع چاندنی چوک کا یہ بازار ایک معروف جگہ ہے۔ کہتے ہیں اس بازار کی رونق ایک پل کو نہیں رکتی۔ یہاں کی دکانوں میں دہلی کے آرٹ اور کرافٹ کی اچھی خاصی جھلک دکھلائی دیتی ہے۔ میناکاری اور زردوزی کے کاموں میں یہاں کا جواب نہیں ہے۔ یہاں پر سکھوں کا مشہور گردوارا سیس گنج واقع ہے۔ نیز مشہور مسجد فتح پوری بھی اس علاقے میں ہے۔ یہاں کے گلی کوچے گوتنگ ہیں، مگر یہاں کے باشندوں کی کشادہ کلوی بذات خود ایک مثال ہے۔ دہلی کے باشندے کھانے پینے کے شوقین ہیں، اسی لیے یہاں رنگ برنگ اور ہمہ اقسام کی ڈشیں ہمیشہ اور ہر جگہ مہیا رہتی ہیں۔ مگر پرانی دلی اس معاملے میں بھی سبقت لے جاتی ہے، کیونکہ اگر شاہی اور مغلئی کھانوں کی خواہش ہو تو پھر ان کی اشتہا انگیز خوشبو آپ کو کھینچ کر یہیں لے آئے گی۔ یہ علاقہ جنوبی دہلی کا ہے، جہاں حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار واقع ہے، اور انہی کی نسبت سے اس علاقے کا نام پڑا حضرت نظام الدین۔ رے چھاپ تلک سب چھینی رے مو سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھینی رے مو سے نینا ملائی کے، سیانے مو سے بلمانے مو سے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار، جسے دنیا بھر میں شہرت دوام حاصل ہے، اور آج بلا تفریق مذہب و ملت سینکڑوں زائرین اور معتقدین کی بھیڑ چوبیسوں گھنٹے یہاں موجود رہتی ہے۔ توتیے ہند کے خطاب سے معروف اور حضرت نظام الدین اولیاء کے چہیتے کہے جانے والے مقبول شاعر امیر خسرو کا مزار بھی اسی درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے دامن میں واقع ہے۔ پریم بٹی کا مدوا پلائے کرم، مدوا پلائے کرم، مدوا پلائے کرم، پریم بٹی کا۔ امیر خسرو کے صوفیانہ کلام سے کون واقف نہیں، اردو ادب پر اس شاعر کا بڑا احسان ہے۔ خسرو نے محفل سما میں استعمال کی جانے والی موسیقی میں بڑا نام حاصل کیا۔ ہو زحال مسکی مکن تغافل، دورائے نینا بنائے بتیاں، اے حاجی بنائے بتیاں۔ خسرو کی پہیلیوں اور مکریوں نے بھی کافی شہرت پائی۔ خسرو نے اپنی شاعری کو کچھ اس طرح اپنی صلاحیتوں سے سینچا کہ آج بھی ہندوستانی کلاسیکی موسیقی میں بندش کے طور پر ان کی غزلوں کا استعمال ہوتا ہے۔ امیر خسرو نے پہلے سب سے تجربہ کیا کہ پراکرتوں کو، اپبھرنش کو، اور بولیاں جو یہاں کی تھیں، ہریانوی، گجراتی، میتھلی، ماگدھی، اودھی، برج بھاشا، بھوجپوری، ان سب کو اردو، فارسی، عربی سے ملا کر ایک نئی زبان کی بنیاد ڈالی، اور اس طرح شروع کیا ایک فارسی کا مصرع، اس میں ہندی اور ہندوستانی آواز الفاظ، زحال مسکی مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارا میجا نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف و روز وصلت چو عمر کوتا، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ اس طرح انہوں نے یہ نئی زبان کی بنیاد ڈالی۔ اسی علاقے میں ہے مزار غالب، جہاں علم الکلام کا ایک ہنرمند شاعر محو استراحت ہے، اور یہی آخری آرام گاہ ہے شاعر ہند عبد الرحیم خان خانہ کی بھی۔
निजामुद्दीन से मुत्तसिल है हुमायूं का मकबरा। ये मकबरा आलमी आसार कदीमा का दर्जा रखता है। इसकी बनावट और इसकी खूबसूरती मुगलिया ज़ौक़े तामीर की एक बेहतरीन मिसाल है। ये फलक बोस मीनार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। कुतुब मीनार के नाम से मशहूर ये मीनार इस्लामी तर्ज तामीर का एक शाहकार है। दुनिया के तवील तरीन इस मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आज ये मीनार यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर सरे फहरिस्त है। ये मजार है एक और सूफी बुजुर्ग का जिनका नाम है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मेहरोली के एन वस्त में मौजूद इनकी दरगाह भी जायरीन और मुतकिदीन से हर लम्हा आबाद रहती है। गयासुद्दीन तुगलक के दौरे हुकूमत में बना ये तुगलकाबाद किला सयाहों की तवज्जो का हमेशा मरकज रहा है और शाही किलों के दिल फरेब नजारों से सजी ये दिल्ली बैरूनी सयाहों के लिए भी हमेशा पुरकशिश रही है। तालीमी नुक्ते नजर से भी दिल्ली हमेशा अव्वलीन फेहरिस्त में रही है। यहां ऐसे कई तालीमी इदारे हैं जो अपनी एक मुनफरिद और मखसूस पहचान रखते हैं। दिल्ली में कई अहम साइंसी और टेक्निकल अदारे भी हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज वगैरह। इस वक्त भी दो ऐसी मरकजी यूनिवर्सिटियां हैं जो उर्दू की तरक्की व तरवीज में एक अहम रोल अदा कर रही हैं। नई दिल्ली में वाकई जामिया मिलिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने न सिर्फ अपने यहाँ उर्दू और अरबी के अलग शोबे बना रखे हैं बल्कि मदरसों से ताल्लुक रखने वाले तलबा भी इन शोबों से खूब इल्मी फायदा हासिल कर रहे हैं। जहां तक उर्दू तरवीज व असायत का ताल्लुक है, एक इदारा है दिल्ली कॉलेज जिसे अब जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1825 में कायम किया गया ये कॉलेज आज भी मुनफरिद है। उर्दू में तालीम यहाँ का खासा है। यह वह तालीमी इदारा है जहाँ साइंस, ज्योग्राफिया और समाजियात जैसे मजामीन उर्दू जबान में पढ़ाए गए हैं। हिंदुस्तान में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में मगरबी उलूम और साइंसी उलूम का तारुफ और आगाज इस कॉलेज से हुआ। यहाँ पे वर्नाकुलर सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी कायम हुई थी। इस वर्नाकुलर सोसाइटी ने सबसे पहले साइंस की और रियाजी की मैथमेटिक्स की किताबें उर्दू में तर्जुमा करी और उसमें यहाँ दो लोगों की टीम थी जो यहाँ पे टीचर्स थे, असातिज़ा थे और उनमें यानी मौलवी ज़काउल्लाह और मास्टर रामचंद्र, ये दो लोग तारीख का हिस्सा हैं। इन्होंने काफ़ी किताबें उर्दू में तर्जुमा करी। तो एक तरह से जो मगरबी उलूम या साइंसी उलूम हिंदुस्तान में मुतारिफ हुए वो इस कॉलेज की वजह से। उर्दू आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी, मगर ये सच है कि ये जबान उस सुनहरे दौर से बहुत दूर निकल आई है जब इसके बगैर हमारे हुकूमती इदारे तक अधूरे तसव्वुर किए जाते थे। आज इस जबान को बचाए रखने के लिए कौमी काउंसिल बराए फरोग तरक्की उर्दू यानी NCPUL, उर्दू अकादमी और तहरीके अंजुमन जैसे इदारे अपनी तगोदों में लगे हैं जिनकी काविशों को तस्लीम करना ही पड़ता है। उर्दू के फरोग की जो मुख्तलिफ स्कीमें हो सकती हैं उनके तहत हम इस जबान की तरक्की के लिए काम करते हैं और जाहिर है हमारा दायरा अख्तियार सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है
पूरे हिंदुस्तान में हम जबान की तरक्की के लिए, इसके प्रमोशन के लिए अपनी स्कीमों को ले जाते हैं, उनके साथ जो है मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हो सकते हैं प्रमोशन के लिए, उन प्रोग्राम्स के ज़रिए जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें सेमिनार भी हैं, जिसमें किताबें हैं, हर तरह से उनके ज़रिए हम उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली को अगर उर्दू जबान के साथ जोड़कर बयान किया जाए तो ये समंदर को कूजे में बंद करने की एक नाकाम कोशिश होगी। दिल्ली उर्दू की जाय पैदाइश है। ये जबान यहाँ पली बढ़ी और परवान चढ़ी है। इसने यहीं रहकर सारे नशीबो फराज देखे हैं और उम्मीद है कि सियासी, सामाजिक, अदबी और लिसानी इन तमाम हैसियतों में मुमताज ये शहर ही उर्दू को हयात नौ फराहम करेगा। दिल्ली की जमीन उर्दू की मिठास और इसकी चाशनी से भरपूर है। जो यहाँ एक बार आ जाता है फिर लौट कर जाना नहीं चाहता। ज़ौख़ ने इसी जज्बे की तर्जुमानी की है। इन दिनों गर्चे दकन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौख़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। कौन जाए ज़ौक पर दकन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर।